उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के दौरान बसपा ने अपने 54 प्रत्याशी यहां पर उतारे थे, जिनमें से दो विधानसभा प्रत्याशी जीते हैं, जिनमें एक लक्सर से शहजाद जी जीते हैं, दूसरे मंगलोर से हाजी सरबत करीम जी। लेकिन जबरेड़ा की अगर बात करें तो पूर्व विधायक हरिदास के लड़के आदित्य ब्रजवाल ने भी जबरेड़ा से अपनी किस्मत बसपा से आजमाई थी, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र जाति ने जीत वहां पर हासिल की है। अभी हाल ही में आदित्य ब्रजवाल को बसपा का उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इनसे बात करेंगे कि क्या कैसे आप बसपा को आगे बढ़ाएंगे उत्तराखंड में। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे युवा पर भरोसा जताया और प्रदेश की कमान मेरे हाथ में सौंपने का काम किया। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि किसवीं सदी युवाओं की सदी है और आजकल युवा ही राजनीति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि माननीय बहन जी ने युवाओं पर भरोसा किया है और इस बार युवा बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ने का काम करेंगे और आने वाले समय में बसपा यहाँ पर किंग मेकर की भूमिका निभाने का काम करेगी। बसपा से आपको झबरेड़ा से अपनी किस्मत आजमाने का मौका दिया गया था, जहाँ पर वीरेंद्र जाति जी को जीत हासिल हुई, आपकी हार हुई है, क्या कहेंगे? आपको प्रदेश अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है, अब कैसे संभालेंगे? देखिए, चुनाव तो बहुत लोग लड़ते हैं, जीतता कोई एक ही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने बहुत ही अच्छा चुनाव लड़ा, लेकिन जनता का जो फैसला है वो हमें स्वीकार है और हम अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। और आने वाला चुनाव, चाहे जिला पंचायत की मैं बात करूँ या लोकसभा का चुनाव आने वाला है उसकी मैं बात करूँ, बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती के साथ संगठन को मजबूत करने का काम करेगी और गाँव दर गाँव जाकर लोगों से मिलने का काम करेगी, हमारे महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे और माननीय बहन जी के दिशा निर्देशों को कार्यकर्ताओं को पहुँचाने का काम करेंगे।